नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज जिस किताब के बारे में बात करूंगी उसका नाम है आको बाको और इसे लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे जी ने। वैसे इन जनरल दिव्य प्रकाश दुबे जी की मुझे सारी ही किताबें पसंद है, अभी तक जितनी उन्होंने लिखी है। इब्ने बतूती मैंने पढ़ी नहीं है तो बता नहीं सकती, बाकी इनकी सबकी सब किताबें पढ़ी है मैंने और सारी ही अच्छी हैं। तो आको बाको पढ़ने का एक्साइटमेंट लेवल जो था इस वजह से थोड़ा और भी हाई था। पहली बात तो इतना प्यारा लिखते हैं और मुझे पसंद भी है, और नया नया आया था तो मन ज़्यादा ही करता है कोई नई चीज़ ऐसे पढ़ने का, तो मैंने तुरंत इसको ऑर्डर कर दी, पढ़ी। और ये किताब भी वैसे ही है अच्छी, मतलब कहानी वैसी नहीं है, कुछ भी वैसा नहीं है, बट किताब अच्छी है इसलिए बोल रहे हैं कि वैसी। ये कहानी की बात करें तो ये 16 कहानियों का संग्रह है। सारी ही कहानियाँ अलग अलग हैं, कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं और सब की सब एक से बढ़कर एक हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सी कहानी मुझे सबसे अच्छी लगी तो मैं 10 मिनट सोच तो ज़रूर लूँगी, पर मैं बता नहीं पाऊँगी आपको कि कौन सी कहानी सबसे अच्छी है। सबका ही ऐसे है, एक कहानी आप सोचोगे अच्छी है, नई कहानी आ जाएगी, उस कहानी को पढ़ोगे अरे ये भी अच्छी है, फिर नई कहानी आएगी उसको भी पढ़ के अच्छी लगेगी। तो अब अच्छी को अच्छी के ऐसे ज़्यादा या कम कैसे कंपेयर करें। और इनका एक चीज़ है, ऐसा लिखते हैं ऐसा लगता है ना कोई जनरल कहानी को, जनरल बात को इन्होंने उठा ली, कहानी के माध्यम से उसको कह डाला। जनरल कोई प्रॉब्लम हो या ऐसा लगता है इनकी कहानियों में कहानियाँ नहीं, ये कुछ रियलिटी हैं, बस उनको ऐसे कहानी का एक फॉर्म दे दिया गया हो। दिव्य प्रकाश जी की किताबों के साथ मेरा यही सीन है। आप मुझसे पूछो कि कौन सी किताब ज़्यादा अच्छी है, मैं नहीं बता पाऊँगी। आप मुझसे पूछो कौन सी कहानी ज़्यादा अच्छी, मैं नहीं बता पाऊँगी। फिर चाहे वो मसाला चाय की कहानी हो, कोई शर्ते लागू की कोई कहानी, या आको बाको की कोई कहानी हो, मुझे लगता है ये इंसान की नब्ज पकड़ लेते हैं, वो वही लिख देते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं। और उनकी कहानियों में एक नयापन होता है, एक नया आयाम होता है, एक कोई नई चीज़ होती है। इनकी कहानियाँ या किरदार ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं, वो जहन में ज़िंदा रखते हैं। जैसे अभी उनकी किताब है अक्टूबर जंक्शन, जब भी 10 अक्टूबर आता है तो आप इंस्टाग्राम देख लो, सुदीप चित्रा छाए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किरदार जिंदा हो गए हैं, हमारे जहन में हमेशा के लिए बैठ गए हैं कि हाँ उनकी किताब है अक्टूबर जंक्शन, उसमें सुदीप और चित्रा एक किरदार हैं, और जब भी वो डेट आती है तो हमें वो याद आते हैं। अब ऐसे ही ऐसे बात करने चलेंगे तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोल जाऊँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छा लगता है उनकी किताबें पढ़ना। अब थोड़ा आको बाको की बात कर लेते हैं। इनमें सारी ही पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक ये किताब आपको एकदम डुबा के रखेगी। पहली बात तो कहानियाँ अच्छी अच्छी हैं, लिखने का तरीका भी इतना अच्छा है। फिर और ऐसा है कि ये जो कहानी है ना, आपको हंसाएंगी कम पर उदास ज़्यादा करेंगी। वो उदासी कभी आपको सुपर मॉम में हुए धोखे से मिलेगी, या पेन फ्रेंड में हुई बारिश से, खिलौना में जब बाबा अपने घर वालों से मिलते हैं तब। ऐसे ही हर कहानी में कहीं ना कहीं से ये उदासी आ जाएगी, पर ये उदासी जो है वो किसी और का उदास होना है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं हम उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। दिव्य जी ने किताब के शुरुआत में ही लिखा है कि जब मैं कमरे में अकेला होता हूँ तो ऐसी कोई बंदिश नहीं होती। ये कहानियाँ ऐसे ही अकेले कमरे में बैठकर शाम को उदास होने के दौरान देखे गए नोट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि ये कहानियाँ आपको हंसाएंगी कम, उदास ज़्यादा करेंगी। अब मैंने ऐसा बोल दिया है कि ये कहानियाँ आपको उदास करेंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़नी नहीं है। आप पढ़िए, आप उस चीज़ को महसूस कीजिए, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप भी उदास हुए होंगे। हो सकता है आपको कहीं आपका कोई छूटा हुआ हिस्सा मिल जाए, और बहुत सारी चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे द्रौपदी कहानी के माध्यम से ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में कई बार वक्त के साथ हमें डिसीजंस लेने होते हैं, कई बार जो कहानी होती है हमें उनको एक अलग अलग रूप देना होता है, अलग आयाम देना होता है, हमें अपने डिसीजंस के हिसाब से या अपनी सोच के हिसाब से उन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत होती है। द्रौपदी एक बहुत ही प्यारी कहानी है, मैं तो कहूँगी सारी ही कहानियाँ प्यारी हैं द्रौपदी ही की। ऐसी ही बहुत सारी गहरी चीज़ों को दिव्य जी ने बहुत ही सहजता से लिख दिया है,
उनकी लेखन शैली मुझे बहुत ही पसंद है। वो कोई भी चीज़ बहुत ही सहजता से लिख देते हैं। मुझे लगता है वो कहानियों के माध्यम से लोगों की नब्ज़ पकड़ लेते हैं और वो जो चीज़ें लिखते हैं वो सीधे सीधे हम महसूस कर पाते हैं। ऐसा लगता है वो किरदार हमें या वो किरदार किसी न किसी रूप से हमसे जुड़ा है। कोई भी कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी। मुझे तो नहीं हुई थी, आपको भी नहीं होगी। आप खुद सोचिए, 160 पेज की किताब है, इसमें 16 कहानियां हैं, तो कितनी ही छोटी छोटी कहानियां हैं। अभी कहानी पढ़ने बैठ जाओ और ज़रा सा भी इंटरेस्ट आ जाए तो पता नहीं चलता है कि कब बीत गया, पूरी किताब कब ख़त्म हो गई। तो ऐसा ही है, आप एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो आपको फिर मन करेगा कि आप ये किताब ख़त्म करके ही उठो। मेरे हिसाब से किताब बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कहानियाँ भी अच्छी हैं, लेखन शैली भी अच्छी है, बोरियत नहीं होती है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे। और उदासी वाली बात को बहुत ज़्यादा लिटरली मत लीजिएगा। उदासी करना मतलब वो है ऐसा, जब हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, वो चीज़ें हमें थोड़ा इफ़ेक्ट करती हैं, बट उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो जुड़ी होती हैं, जो छुपी हुई होती हैं, कुछ सीखने को मिलता है। हर कहानी कहीं ना कहीं किसी न किसी आम जिंदगी से ही उठाई हुई लगती है। जैसे सुपर मॉम में जो प्रायः आम औरतें वो कोई ना कोई सपना देखी होती हैं कभी, और अचानक से उन्हें एक दिन अपने सपने की याद आती है, और जब वो कुछ करना चाहती हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, या पहले कुछ प्रॉब्लम्स आई होती इस वजह से कर नहीं पाती हैं। आप सुपरस्टार से देखेंगे कि कैसे कैसे लोगों के साथ ऐसे धोखे होते हैं, कैसे लोग इतने बड़े धोखे को भुला करके लोगों की हेल्प करने में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कहूँगी कि आप ये किताब पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा। मैं एक चीज़ सोच रही थी कि मैं इन कहानियों को पढ़ के सुनाऊंगी आपको। जैसे किसी दिन कोई कहानी, किसी दिन कोई कहानी, देखते हैं हो पाता है या नहीं, बट मैंने ऐसा सोचा है। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।